गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी क्यूब्स। आज आप बात करने वाले थे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम सभी को अच्छा जॉब चाहिए होता है, लेकिन एक अच्छा जॉब पाने के लिए हमें इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, और बहुत से लोग इंटरव्यू मार खा जाते हैं। कहीं कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, जिसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हमें जॉब ही नहीं मिलता। तो चलिए आज इसी टॉपिक की ओर बात करते हैं, क्योंकि चाहे हम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, इंटरव्यू देने से पहले थोड़े नर्वस होते ही है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, हाउ टू अपीयर कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है रिसर्च इंडस्ट्री एंड कंपनी। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, उसका इंटरव्यू देने से पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर अपनी कंपनी के बारे में कुछ आपसे बातें पूछे, या इंडस्ट्री और मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में पूछे। तो आपके पास जवाब रेडी होना चाहिए। तो आप बेसिक जो कंपनी की इन्फो है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हम जिस कंपनी में जा रहे हो वो किस फील्ड में है, वो आईटी फील्ड में है या फिर कंस्ट्रक्शन में है, कौन सी फील्ड में या फिर लॉजिस्टिक्स में, हमें पता होना चाहिए हम किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये पता होने से आपको फ़ायदा ही होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। सेकंड है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। चाहे आप कोई भी इंटरव्यू क्यों ना दे रहे हो, हमेशा खुद को फॉर्मल में ड्रेस करना आपको होगा, क्योंकि अगर आपकी ड्रेसिंग राइट होगी तो ये जरूर इंटरव्यू आपको कॉन्फिडेंट दिखाने वाला है। या फिर आप जिस कंपनी में इंटरव्यू जा रहे हो उसका ड्रेस कल्चर क्या है, ये उनकी वेबसाइट से पता कीजिए। उनकी वेबसाइट पे कुछ फोटोज होगी उनके एम्प्लॉयज की, वो देखिए वो क्या है और उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो उनके ड्रेस कोड के बारे में, तो बिना संकोच कीजिए फॉर्मल पहन के जाइए, क्योंकि हर इंटरव्यू में फॉर्मल होना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा कैजुअल पहन के गए कोई आपको कुछ बोल सकता है, लेकिन आप फॉर्मल में हो तो कोई आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, और इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। थर्ड टिप है यूज़ ब्रीदिंग टेक्निक्स। इंटरव्यू कॉन्फिडेंट दिखना है मतलब आपको एकदम काम और कूल लगना होगा, और ये लगने में आपकी हेल्प करने वाला सबसे बड़ा दोस्त आपका होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि इंटरव्यू देखेगा आप कितने काम हो। क्योंकि आजकल के वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है, तो इंटरव्यू ये देखेगा कि आप कितने काम हो, कूल हो, या फिर आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेंगे। फोर्थ टेक्निक है प्रैक्टिस कीजिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं, कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चंस सेम ही होते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा और कॉन्फिडेंटली आप उसका आंसर दे पाओगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, यू कैनॉट ओवर प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आप किसी भी इंटरव्यू में ओवर प्रिपेयर नहीं हो सकते। किसी भी आपका इंटरव्यू कौन से क्वेश्चन पूछने वाले, ये आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। दो या तीन से बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्रिपेयर होना ही होगा, कुछ अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिफ्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम कंट्रोल। क्वेश्चन इंटरव्यू ने किया है उसका आंसर इंटरव्यू बहुत अच्छे से आपसे जाता है, या फिर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, लाउड बोल रहे हो, तो ऐसे लग सकता है इंटरव्यू कि इसको टोन मैनेज करना नहीं आ रहा है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही हमने अगर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया ऐसे लगा आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, या फिर इसके एकदम अपोजिट एकदम स्लोली बोल रहे हो, इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। तो इसके लिए आपको अपने टोन के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर बहुत काम करना होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना, आपके दोस्त को आपके सामने बिठा देना है और उसे कुछ सवाल पूछने के लिए बोलना है। एक छोटा सा रोल प्ले आपको करना है, जिसको आपको बहुत सी हेल्प होने वाली है, जिससे आपके आपको पता चले कि आप कौन सा वॉल्यूम सूट कर रहा है या फिर कौन से टोन में आपको बात करनी चाहिए। सिक्स्थ है वॉच योरसेल्फ। बॉडी लैंग्वेज हमारी सबसे बड़ा इंटरव्यू में हमारा दोस्त हो सकता है, क्योंकि हर इंटरव्यू को 2 या 3 मिनट मिलते हैं आपको जज करने के लिए, और उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत से अनकॉन्शियसली हो जाता है, लेकिन यही बॉडी लैंग्वेज हमारे इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बारे में बहुत से चांसेस बढ़ा सकता है या कि कम कर सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आपको मिरर या फिर कैमरा के सामने बैठ जाना है और खुद को देखना है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे आप बार बार हाथ फोल्ड कर रहे हो, या आप हाथों की कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहे हो, तो धीरे धीरे इन आदतों को आपको चेंज करना होगा, और चेंज करने से आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी करवा सकती है। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रह सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा है ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए एडिट्यूब को सब्सक्राइब कर।
और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।